सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा आप हमारे चैनल को रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और सभी जो लाइव क्लास में आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है। जो भी हम चैप्टर्स करा रहे हैं, आप लाइव क्लास में आ रहे हैं और क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। आप सबको ये पता चल गया होगा, जो भी लाइव क्लास में आ रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता है। और बाकी जो नहीं आ रहे लाइव क्लास में, वो आकर एक बार देखें और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, और वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं तो वहाँ आपको चारों के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी सीरीज जो चल रही है उसी में हम पढ़ेंगे आज माउंटेन रेंजेस, यानी पर्वत श्रृंखलाएँ और उनकी सबसे ऊंची चोटियाँ। वैसे तो विश्व में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, लेकिन हम जो जानेंगे जो मेन और बहुत ही बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। हमें सब नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ वो पढ़नी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उन पर्वत श्रृंखलाओं को करेंगे, उनकी सबसे ऊँची चोटियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हर बार की तरह शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। आप सभी जानते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। अब सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें तो नॉर्थ अमेरिका में कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। चलिए सबसे पहले नीचे पहुंचते हैं, यहाँ पर ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आप सभी जानते हैं साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसा आप सभी जानते हैं ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं इस जगह पर, जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ। ये एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और एंडीज पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी, यानी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पहले नंबर पर है। तो ये किस देश में है? ये है चिली में। यहाँ पर अर्जेंटीना है और इधर चिली है, तो ये कहाँ पड़ती है माउंटेन रेंज? ये माउंटेन जो है माउंट एकांकागुआ कहाँ पर? चिली में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका में कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं अपलेशियन माउंटेन रेंज, ये है सियरा नेवादा, ये है कैस्केड रेंज, ये है रॉकीज माउंटेन, और ये है अलास्का रेंज। जैसा अब यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए अपलेशियन माउंटेन जो है, अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट मिशेल। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं थर्ड नंबर पर माउंट मिशेल लिखी हुई है, जो थर्ड नंबर पर ये माउंट मिशेल अपलेशियन माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और अपलेशियन माउंटेन रेंज जो है ये कोयला के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कोयला सर्वाधिक पाया जाता है यूएसए में। तो किस देश में है ये? ये यूएसए में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ, यानी वेस्ट की तरफ। ये माउंटेन रेंज कौन सी है? आप जैसा देख पा रहे हैं ये है सियरा नेवादा। इससे ऊपर जो रेंज है आपकी वो है कास्केड रेंज। कौन सी? कास्केड पर्वत श्रृंखला। इस कास्केड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर कहाँ पर है? ये है आपकी यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर, और यूएसए का ये पार्ट है। अब थोड़ा इससे ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो आपको ये पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी जो हमने रेड कलर से लंबी सी बनाई हुई है। इसका नाम है, ये है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद दुनिया की सबसे लंबी, सेकंड नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहले नंबर पर कौन सी है? एंडीज माउंटेन रेंज। दूसरे पर कौन सी है? रॉकीज माउंटेन रेंज। पहले पर एंडीज, दूसरे पर रॉकीज, और इस रॉकीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम है माउंट एल्बर्ट। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि नॉर्थ अमेरिका की। आपको ये याद रखना है, देखिए रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है ये इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और दुनिया की दूसरे नंबर की, एंडीज के बाद दूसरे नंबर की। लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी वो है माउंट मैकिनले, वो पड़ती है यहाँ पर अलास्का में। देखिए आप सभी जानते हैं अलास्का है, इसके इधर कनाडा है और इससे इधर अलास्का है। अलास्का में रेंज, माउंटेन रेंज पड़ती है अलास्का रेंज, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इस पूरे नॉर्थ अमेरिका की हो गई, तो इसका मतलब ये अलास्का रेंज की भी हो गई।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, रॉकीज़ जो पर्वत श्रृंखला है ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बेशक है, लेकिन इसकी जो चोटी है माउंट एलवर्ट सबसे ऊंची, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची चोटी जो होगी आपकी वो होगी माउंट मैकिनले अलास्का रेंज की। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है नॉर्थ अमेरिका से, अप्लेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल, अप्लेशियन की माउंट मिशेल ये कोयला उत्पादन के क्षेत्र में, यहाँ पर इसकी घाटी में कोयला का प्रमुख प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ, रॉकीज माउंटेन दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, और आप सभी जानते हैं इस माउंट एल्बर्ट से एक नदी निकलती है कोलोराडो रिवर, जो अपना जल यहाँ कैलिफोर्निया खाड़ी में गिराती है, आप सभी को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रृंखला पर है, ये अलास्का रेंज पर है। अलास्का किसका पार्ट है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। किसका पार्ट है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ अमेरिका की रेंजेस और इनकी चोटियां के बारे में जान लिया। कास्केड की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है चोटी है वो है आपकी माउंट रेनियर। अब चलते हैं हम यूरोप की तरफ। देखिए यूरोप में आपकी यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक आपको ये दिख रही होगी आल्प्स, इसका नाम है आल्प्स माउंटेन रेंज। कहाँ पर है ये, इटली की, इटली दिख रहा है आपको, इटली के ऊपर आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, और ये इटली की स्थिति लगभग भारत के जैसी है। यहाँ पर भी ये कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो है वो आल्प्स की, वो है माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैंक, ये सिर्फ आल्प्स की है ना कि पूरे यूरोप की। पूरे यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट ब्लैंक। ठीक है, अब इससे नीचे आपकी एक पर्वत श्रृंखला आती है प्रेनीज। ठीक है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एनेटो। ठीक है, कहाँ पर है ये, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर, यहाँ पर स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर ये पर्वत श्रृंखला है। अब थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं, ये है आपका ब्लैक फॉरेस्ट रेंज। ब्लैक फॉरेस्ट रेंज कहाँ पर, जर्मनी में। आपका वोस्जेस रेंज कहाँ पर, ये भी जर्मनी में। दो पर्वत श्रृंखला आपकी जर्मनी में है, आपको मैंने नदियों वाले चैप्टर में बताया था, जो माउंट ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है इससे एक नदी निकलती है डेन्यूब, आपको बता चुका हूँ मैं, और आपके एक राइन नदी भी इसी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ये नदियों वाले चैप्टर में मैं यूरोप वाले में करा चुका हूँ आपको। अब ये सभी जानते हैं आप, ये कौन सी जल वाटर बॉडी है, इसका नाम है कैस्पियन सागर, इसका नाम है ब्लैक सागर, यानी ब्लैक सी, काला सागर। इस काला सागर और इस कैस्पियन सागर को एक पर्वत श्रृंखला बीच में अलग करती है, जिसका नाम है काकेशस माउंटेन रेंज। काकेशस माउंटेन रेंज, और ये किन दो चीज़ों को अलग करती है, जोड़ती है, ये है आपका कैस्पियन सागर और काला सागर। ये एशिया और यूरोप को भी अलग करती है, और यहाँ तक ये रूस का पार्ट है, इससे ऊपर रूस है और इससे नीचे आपका एशिया का पार्ट आ जाता है। काकेशस पर्वत श्रृंखला पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है ये इस काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, इसके साथ ही साथ ये यूरोप महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, काकेशस पर्वत की, माउंट एल्ब्रुस। आपको क्या चीज़ समझनी है यहाँ से, पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। अगर हम यहाँ देखें पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी माउंट एकांकागुआ, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी माउंट मैकिनले किस रेंज की, अलास्का रेंज की। इसी तरह से एक एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। अब इससे नीचे आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप में आप यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला देख पा रहे हैं, ये है आपकी एटलस माउंटेन रेंज। कौन सी है, एटलस माउंटेन रेंज। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टूबिकल, माउंट टूबिकल। कहाँ पर है ये, ये पड़ती है आपकी मोरक्को में। ठीक है, कहाँ पड़ती है आपकी मोरक्को में, और किस रेंज की, एटलस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टूबिकल, और किस राज्य में, देश में पड़ती है, उसका नाम है आपका मोरक्को, और अफ्रीका महाद्वीप की है। लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी इस एटलस रेंज की तो है, लेकिन ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की नहीं है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ये माउंट किलिमंजारो। कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, और किस देश में है ये, तो इस देश का नाम है तंजानिया। कौन सा, तंजानिया। तंजानिया के बारे में आपको एक चीज़ और बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने लेक्स पढ़ाई थी।
तंजानिया अपनी बॉर्डर, अपना बॉर्डर 3 लेक्स के साथ शेयर करता है, वो आपको कमेंट में बतानी है कौन कौन सी लेक्स हैं जिनके साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए मैं अपनी वीडियोज़ में जो आपकी अगली वीडियोज़ लेकर आऊँगा उससे अगली वीडियो में मैं पीछे की जो वीडियो करा दी हैं मैं उनमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन उनसे पूछूंगा, आपको सिर्फ उनका जवाब कमेंट में देना है, इससे आपका रिवीजन भी अच्छा होता रहेगा। तो तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, कहाँ पर? तंजानिया और अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी। अब चलते हैं हम एशिया की तरफ। एशिया में यहाँ आप सभी जानते हैं ये अरब का प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या है? जो तीन तरफ से, जो स्थलखंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, और ये अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है पूरे विश्व का। अब इससे इधर आपका इराक, इराक के बाद आपका ईरान पड़ता है। ईरान में दो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, एक तो है आपकी ये जो पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रुज माउंटेन्स, ठीक है, एल्ब्रुज, और इसका नाम आपको कमेंट में बताना है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको जब पढ़ाया था मैंने इसका नाम बताया था पठारों वाले पाठ में, पठारों वाले चैप्टर में, कि ये कौन सी माउंटेन रेंज है, इसका जो कमेंट है ऑप्शन है आंसर कमेंट में आपको बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए आज आपके लिए, ठीक है। माउंट ये एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला है, देखिए यहाँ तो ये थी एल्ब्रुज चोटी, जो यहाँ थी ये एल्ब्रुज चोटी थी, लेकिन यहाँ एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला है कहाँ पर? ईरान में। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट देमाबंद, कौन सी है? माउंट देमाबंद किस स्टेट में है या किस देश में है? तो वो है आपका ईरान। और किस पर्वत श्रृंखला की है? तो वो है आपकी माउंट एल्ब्रुज माउंटेन रेंज की। अब थोड़ा एक चीज देखिए, यूरोप की एक चोटी में भूल गया, ये यूराल माउंटेन रेंज है। यूराल माउंटेन रेंज जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। इधर से यहाँ पर रूस है, इधर भी रूस है, लेकिन इधर का रूस वाला पार्ट जो ईस्ट का वो एशिया में आता है, और वेस्ट वाला पार्ट इधर का वो आपका यूरोप में आता है। इस यूराल माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है आपकी नरोडनाया, कौन सी है? नरोडनाया, कहाँ पर है ये? आपके रूस में। और कौन से माउंटेन रेंज की? यूराल माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी नरोडनाया। ये सबसे ऊंची चोटी तो नहीं है पूरे यूरोप की, लेकिन किसकी है? इस यूराल माउंटेन की है। अगर आपसे यूरोप की पूछे तो कौन सी हो जाएगी आपकी? माउंट एल्ब्रुस। चलिए अब वापस आते हैं हम एशिया में। अब थोड़ा इंडिया की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एशिया, एशिया में कहाँ पर? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी तरफ चलते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये पामीर ग्रंथि, यानी पामीर की गांठ, इसे हम बोलते हैं पामीर गांठ एक देशी भाषा में। तो यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसा आप ये वाली पर्वत श्रृंखला देख पा रहे होंगे, ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है माउंट हिमालय पर्वत रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? हिमालय माउंटेन रेंज। विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला, तीसरी सबसे लंबी, उससे पहले दो कौन कौन सी है? एंडीज एंड रॉकीज, ठीक है, आपको एंडीज और रॉकीज यहाँ याद रखनी है। तीसरी होगी आपकी लंबाई के मामले में हिमालय। हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इंडिया, नेपाल, चाइना, यहाँ पर इसका विस्तार है। और इसकी जो चोटी है, यहाँ दिखा हुआ आपको वन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ इस माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय रेंज की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, और ये पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, या फिर कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी लिखा हुआ दिख जाएगा। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो कौन सी? माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और साथ ही साथ हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी, और किस देश में पड़ती है ये? ये पड़ती है आपका नेपाल में। अगर आपसे पूछे हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगी आपकी कंचनजंगा, वो कहाँ पर है? सिक्किम में। यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो होगी आपकी K2। भारत की सब, देखिए अंतर समझिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। वो कहाँ पड़ती है? यहाँ पर, इस हिमालय रेंज से थोड़ा ऊपर यहाँ पड़ती है K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है। इसी वजह से भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका K2, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में पूछे
तो वो है आपकी कंचनजंगा, जो कि हिमालय रेंज के अंतर्गत आती है। उसमें सबसे ऊंची चोटी भारत की वो होगी कंचनजंगा, कहाँ पर? सिक्किम में। बाकी अगर भारत की तो केटू, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, और केटू की जो ऊंचाई है आपकी वो है 8611 मीटर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ और हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले तो ये देख लिए, हिमालय पर्वत जो है वो आप सभी जानते हैं पूर्व में एक दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, यानी कि वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है। जहाँ ये मुड़ता है इस मुड़ी हुई जगह क्या बोलते हैं हम? हेयर पिन बैंड। मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया होगा, इसे बोलते हैं हम हेयर पिन बैंड। और जो ये मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला है ये आपकी कहाँ पर है? म्यांमार में। और म्यांमार में इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है आपका अराकान योमा। कौन सी? अराकान योमा। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। और जैसे ही ये हिमालय रेंज आगे की तरफ बढ़ती है अराकान योमा, यहाँ पर ये समुद्र में हिंद महासागर में डूब जाती है, और कहीं कहीं इसके उठे हुए पार्ट आपको दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है वो अराकान योमा का ही लास्ट या अंतिम पार्ट है, जहाँ पर ये समुद्र में डूब गया। और जो उठे हुए भाग ऊपर रह गए जो द्वीप की तरह हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, जो कि भारत के अंतर्गत ही आते हैं, भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हो गया आपके अराकान योमा। थोड़ा अब भारत में नीचे की तरफ चलें, मिडिल इंडिया की तरफ, तो यहाँ पर वेस्ट में गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में एक माउंटेन रेंज पड़ती है, जो है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और ये पहले कभी फोल्डेड माउंटेन यानी पहले वलित पर्वत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये एक अवशिष्ट यानी रेजिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। रेजिडुअल माउंटेन मतलब अवशिष्ट यानी बचा हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया इस पर्वत श्रृंखला पर धूप पड़ी, बारिश पड़ी और ओस पड़ी, इससे ये क्या हुआ? इसका क्षरण हुआ, अपक्षय हुआ और अपर्दन हुआ, और ये घिसना शुरू हो गई। अब ये घिस रही है, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। और ये क्या है? रेजिडुअल माउंटेन। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है गुरु शिखर, और कहाँ पर है? माउंट आबू। जहाँ पर आबू है वहाँ पर, माउंट आबू में, ठीक है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर यहाँ पर है आपकी। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है कौन सी पर्वत श्रृंखला की? अरावली पर्वत श्रृंखला की। और यहाँ पर बीच में भी एक पर्वत रेंज पड़ती है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है धूपगढ़। सतपुड़ा जो है आपकी धूपगढ़, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? जब कोई दो प्लेट इस तरह से जुड़ी हुई हैं और ये एक तरफ से अलग से हट जाएं और उनके बीच में कोई उठा हुआ पार्ट रह जाए, उसे ही हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ये नीचे तरफ खिसक जाएंगी, इन्हें बोलेंगे हम रिफ्ट वैली यानी घाटी बोलेंगे इन्हें। अब इसका मतलब क्या है? धूपगढ़ जो है कैसी है, सतपुड़ा कैसी है आपकी? वो है आपकी ब्लॉक माउंटेन। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है धूपगढ़। और किस रेंज पर? महादेव रेंज पर। महादेव रेंज इसकी, सतपुड़ा की महादेव रेंज पर एक सबसे ऊंची चोटी है पूरे सतपुड़ा रेंज की। क्या नाम है उसका? धूपगढ़। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो साउथ इंडिया में चलें। अब ऊपर नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हो गई, मिडिल इंडिया की भी लगभग चोटी मैंने बता दी ऊंची वाली। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। यहाँ पर जो एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के लास्ट में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अन्नामुडी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। और ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी? केटू भारत की, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? वो है अन्नामुडी। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप ये पर्वत श्रृंखला देख रहे होंगे, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी वो है माउंट कोसिस्को। आप कैसे पढ़ सकते हैं? क्योसिस्को भी पढ़ सकते हैं। तो इसका नाम है माउंट क्योसिस्को। सबसे ऊंची चोटी है आपकी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन, जिससे कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर की।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस पर्वत श्रृंखला और चोटी वाले में से आ सकते हैं। देखिए, साउथ अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज है, वो पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। चले नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज माउंटेन, और इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है आपका माउंट एल्बर्ट। लेकिन पूरे उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है आपका माउंट मैकिनले, इस रॉकी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है आपका अलास्का रेंज के अंतर्गत। ठीक है, यूरोप की तरफ आएँ तो यूरोप में आपकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? वो है आपका काकेशस माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी नरोडनाया। आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी माउंट ब्लैंक। और थोड़ा नीचे की तरफ चलें अफ्रीका में, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। किस देश में है? तंजानिया में। आपको इसके जवाब देने, तंजानिया अपना बॉर्डर किन तीन झीलों के साथ शेयर करता है वो आपको इस कमेंट में बताना है। यहाँ पर एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी माउंट ट्यूबकल। एटलस माउंटेन रेंज की माउंट ट्यूबकल। अब एशिया की तरफ चले तो इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। लेकिन पूरे एशिया की या फिर पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। किस देश में पड़ती है? वो है नेपाल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर या फिर 8850 मीटर। अब यहाँ पर K2 जो है भारत की है। भारत में जो सबसे ऊंची चोटी हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी कंचनजंगा। किस स्टेट में पड़ती है? वो है सिक्किम। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, और पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। किस रेंज में पड़ती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप साथ के साथ इन चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे। आप साथ के साथ इन्हें नोट कर लें जिससे आपको ये वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। ठीक है, साथ के साथ नोट करते भी चले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जो ये अदर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके और उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।